ओम शांति आज 17 दिसंबर 2022 है कल की तरह आज भी बाबा ने मुरली में हमें सर्जन के रूप से एक दवाई दी है बाबा ने कहा सब बीमारी की एक ही दवा है बाप की याद तो आज के अव्यक्त इशारों में भी बाबा बीमारी की दवा ही दे रहे हैं और साथ ही साथ सर्जन के रूप से कुछ प्रिकॉशन भी बता रहे हैं जो हमारी बीमारी को जल्दी ठीक होने में हमारी मदद करेगा आइए जानते हैं दवाई और प्रिकॉशन आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से कभी कोई भी शारीरिक बीमारी हो मन का तूफान हो तन में हलचल हो प्रवृत्ति में हलचल हो सेवा में हलचल हो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना जैसे बाप बड़ी दिल वाले हैं ऐसे बड़ी दिल वाले बनो अगर कोई हिसाब किताब आ भी गया दर्द आ गया उसमें दिल शिकस्त होकर बीमारी को बढ़ाओ नहीं हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे मन में जब कोई भी उलझन आती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ हो दिल में सच्चाई हो इसलिए किसी भी प्रकार की उलझन में दिल शिकस्त कभी नहीं बनो आज बाबा हम बच्चों को जितनी भी प्रकार की बीमारी अर्थात अड़चने हमारे पुरुषार्थ में आसक्ति हैं उन सर्व के प्रति सावधान कर रहे हैं बाबा ने हम बच्चों को सारा ज्ञान दिया है उन्नति करने का ज्ञान भी दिया तो माया के अलग अलग रूपों का ज्ञान भी दिया है और आने वाले समय में ये माया के सारे रूप छुट्टी लेने से पहले एक बार प्रबल जरूर होंगे और जिसकी जो कमजोरी है वही प्रहार करेंगे जैसे फिजिकली भी अगर कोई इम्यूनिटी में वीक होता है तो वही बीमारी उसको कैच करती है जिसके लिए उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आज सबसे पहला बाबा 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 ने ने हमें बताया दिल शिकस्त नहीं होना और दूसरा ने कहा कि की याद ये दवाई है ये दवाई हम पर असर करे इसके लिए हमें निर्णय शक्ति और दिल की सच्चाई और सफाई चाहिए जब कोई भी प्रकार की हलचल आती है तो बाबा की याद सच्चे दिल से जब करते हैं तो बाबा टच करता है और वो बाबा की टचिंग ही इस बीमारी को दूर करने के लिए इस हलचल पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कर्म करना है वो निर्णय हमें दिलाती है तो याद से निर्णय शक्ति और उसके लिए जो दिल शिकस्त हो गया उसके दिल के अंदर बीमारी घर कर गई है तो उस जगह पे बाबा नहीं बैठ सकता इसलिए आज सारा दिन चेक करेंगे माया के अलग अलग रूपों को परखेंगे सच्चे दिल से बाबा को सब कुछ सौंप करके निर्णय शक्ति को बढ़ाते हुए याद से हम बाबा की टचिंग को इम्प्लीमेंट करते चले तो हलचल से प्रभावित नहीं लेकिन अचल अडोल बन कर के हम आगे ही बढ़ते रहेंगे उन्नति ही करते रहेंगे तो आज की बाबा की प्राप्ति है मैं अचल अडोल आत्मा हूँ ओम शांति